कुंती महारानी जब स्तुति कर रही हैं, तो ये तो हमने चर्चा करी थी कि वो बोल रही हैं कि मेरी अपने पुत्रों से भी जो आसक्ति है वो भी काट दो, ये प्रार्थना कर रही हैं कृष्ण से। और कृष्ण को एक बड़ी मजे की बात बोल रही है, त्वई एव नाथेन मुहुर विपद गानाथ। जो उन्होंने प्रार्थना करी उसमें बड़ी जोर का शब्द बोला, त्वई एव नाथेन, एक आप ही मेरे नाथ हो बस, और कोई नहीं है। या हम सबको अपना 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 मान ले, आप भी हो। हम कृष्ण को बोलते हैं आप भी हो, पहले तो हम उनको मानते ही नहीं कि आप भी हो। अगर कोई संकट आ जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अब यहाँ पे जो ये आर्थिक विपदा आई है किससे ले सकते हैं, कौन हेल्प कर सकता है। कोई हमारी गवर्नमेंट में कोई बात हो जाए तो हम बोलते हैं कौन उच्च अधिकारी है, हम सबसे पहले ये सोचने लगते हैं मेरे आसपास कौन है उससे बात करूं। बच्चे का एडमिशन कराना है, हम सब किसकी अप्रोच लगाएं, किसको देखें, कौन है, ये वाला डीलर है, ये पैसे लेके करा देगा, ये मुफ्त में करा देगा, इससे बात करें। मुझे जॉब की प्रमोशन चाहिए, तो हम बड़े सारे नाथ हैं हमारे, हम कहीं किसी को नाथ बना लेते हैं, कभी किसी को नाथ बना लेते हैं, कभी किसी को बना लेते हैं। जब मैं ये बोल रहा हूँ त्वई एव नाथेन, तो हमारे मन में आते तो यार हमारे भी एक ही नाथ हैं, हम भी और किसी को नहीं मान रहे। पर अब आप उदाहरण से समझ रहे हो कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी जगह हमें किसी का पता लगे, भैया ये हमारे डिस्काउंट दिला सकता है हमें हमारी शॉपिंग में। हाँ उस सुनो, वो आप कह रहे थे ना आपका वो जान पहचान का हुई है। तो कुंती महारानी क्या कह रही, त्वई एव नाथेन, बस आप हो और कोई नहीं है। ये बहुत भारी बात है अगर हम भीतर से अपने ये सोच लें तो। ये हम जो बोलते हैं, ये जैसे मैं बोल रहा हूं ना, इतनी अत्यधिक असक्ति, ये मेरा पति, ये मेरा बच्चा, वो मेरा भाई, आप जानते हैं ना, वो मेरा भाई, वो मेरे पिताजी को नहीं जानते इस तरीके से, हम लोग वो नहीं जानते। ये क्या है, हमारा उनमें नाथ भाव है कि तुम समझ नहीं रहे वो कौन है, वो कितना उच्च अधिकारी है, वो ये है, वो है, ये हम ऐसा बोल देते। और कुंती महारानी जिनके 5 पांडव पुत्र हैं, जिनके पास अर्जुन है, युधिष्ठिर हैं, नकुल सहदेव हैं, वो क्या बोल रही हैं, करण भी उन्हीं के हैं, वो जानती हैं। और वो क्या बोल रही हैं, त्वई एव नाथेन, बस मेरे आप हो और मुझे कोई नहीं चाहिए, और इनसे जो थोड़ी बहुत आसक्ति है वो भी हटा दो, मुझे वो आसक्ति भी नहीं रखनी इनसे। वो 5 पांडवों से, वो ऐसे भक्तों से जो कृष्ण के इतने प्रिय हैं, उनसे भी, क्योंकि पुत्र भाव है, इसलिए कह रही कि मेरी उनसे आसक्ति हटा दो। और हम यहाँ के हार्ड मास के पुतलों से ऐसा सोचते कि नहीं, मैं आपकी भक्ति करूंगा लेकिन ये सब ठीक रहे। तो अगर ऐसा है भगवान, अगर देखो अगर किसी को कुछ हो गया ना, फिर मैं, मेरे से भक्ति नहीं होगी। तो हम इनडायरेक्टली अपने मन से भगवान को थोड़ा ब्लैकमेल भी, अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम ऐसी और कुछ चल जाएगा मगर ये सब हो गया ना, तो फिर शायद मैं जितना कर रहा हूँ मैं उतना भी नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा हम जाके पहले ही भगवान के भीतर डाल देते हैं कि अगर ये सब किया तो फिर मेरे से भक्ति नहीं होगी, फिर मत एक्सपेक्ट करना कि मैं भक्ति कर पाऊंगा, और आप ही खराब करोगे ये सब करके। तो इसमें प्रार्थना उनसे कर रहे हैं, पर त्वई एव नाथेन वाली कोई बात नहीं है, ना तो हम दूसरों को बता रहे हैं।